हेलो, क्या आपको पता है कि बाज़ार से जो मेयोनीज लाते हैं उसमें कितना ऑयल होता है और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन से भरपूर डिप। इसे चाहे आप मेयो कहें, चाहे सैंडविच स्प्रेड कहें, कुछ भी कहें, बहुत ही बढ़िया और हेल्दी है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। और इसी से मैं आपको सैंडविच बनाना सिखाऊंगी इसी डिप से, जो कि बहुत ही टेस्टी होंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इन्हें बना के रख सकते हैं और सबको ये सैंडविच बहुत पसंद आएंगे। हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़े से काजुओं को पानी में भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए, और अब इनका पानी निकाल कर हम इन्हें पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें इन काजुओं को डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर, ये मेरा होममेड पनीर है, 5-6 पीस डाल दिए और 3-4 पीस आप गार्लिक के डाल दें। और मैं थोड़ा सा हंकर डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगेनो, आप चाहें तो इसमें फ्रेश कोरिएंडर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा शुगर फ्री, क्योंकि मेयो थोड़ी सी मीठी होती है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो यदि ये अच्छी तरह से नहीं पिसता है, देखिए इस तरह का रहता है, तो हम इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे 2-3 चम्मच और फिर से पीसेंगे। हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बिल्कुल तैयार होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया मेयो बनकर तैयार होती है इस तरह से। आप चाहें तो इसे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और यदि इसमें आप 1 चम्मच विनेगर मिला दें और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिला दें तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसको 10-15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब हम इससे सैंडविच बनाएंगे। मैंने एक बोल में बॉयल्ड स्वीट कॉर्न लिए हैं और एक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने डिप बनाई थी मेयो डिप, वो डालेंगे 3-4 चम्मच। अब इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगेनो, और इसको मिक्स कर देंगे। यदि आपको डिप कम लगे तो थोड़ी सी और डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है सैंडविच बनाने के लिए। अब हम सैंडविच बनाएंगे। इसके लिए मैंने ग्रिल टोस्टर में थोड़ा सा मक्खन से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें ब्रेड रखेंगे, ब्राउन ब्रेड से बना रही हूँ मैं सैंडविच, और अपनी स्टफिंग इसमें रख देंगे। आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ स्टफिंग फैलाएंगे और फिर ब्रेड से कवर कर देंगे और फिर इनको सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी से सैंडविच तैयार हो जाते हैं मिनटों में। और ये डिप भी बहुत जल्दी से बन के तैयार होती है, केवल 2 मिनट में डिप बन गई थी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सैंडविच तैयार हुए हैं क्रिस्पी से, और इनका टेस्ट तो अमेजिंग होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा सबको, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।